Hey guys, welcome back to my YouTube channel Dehradun Diaries. So आज का वीडियो होने वाला है एक रिव्यू वीडियो. बेसिकली एक रिव्यू वीडियो नहीं है, एक्चुअली मैं अपने लिए एक ककम्बर फेस पैक लाई थी, तो उसी को आज मैं अप्लाई करके आपको दिखाने वाली हूँ कि उसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं और क्या क्या मतलब मेरी स्किन को कितना और ग्लो करता है ये और कितना अच्छा करता है और स्किन को. एक्चुअली मैंने बहुतों के मुँह से सुना था कि ककम्बर फेस पैक जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपकी स्किन को और रिफ्रेशिंग बनाता है एंड आपके ओपन पोर्स को क्लोज करने में हेल्प करता है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ. मैं ये वाला 80 रुपीज़ का ककम्बर फेस पैक लाई हूँ. ये है प्योर रूट्स का ककम्बर फेस पैक एंड इसकी जो मतलब साइज है, क्वांटिटी है, वो तो ठीक लगी मुझे 80 रुपीज़ के हिसाब से. सो मैंने इसे ऑलरेडी ओपन कर लिया था, इसके ऊपर एक सील टाइप पैकेजिंग थी, तो ये कुछ ऐसा है दिखने में. लुक एट दिस. सो एज यू कैन सी, ये मेरी रियल स्किन है. मैंने बिल्कुल भी कोई भी मेकअप नहीं लगा रखा है, कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं कर रखी है, तो मैं डायरेक्टली फेस पैक को अपने फेस में अप्लाई करूँगी विदाउट किसी क्रीम को लगाए हुए या मेकअप अप्लाई करे हुए. सो देख सकते हैं आप, ये मेरी रियल स्किन टोन है अभी. एंड गाइज आप पीछे वॉलपेपर देख सकते हैं, तो ये वॉलपेपर मैंने खुद ही स्टिक करे है घर में. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा हो या आपके जो घर की रूम की वॉल्स है वो बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल दिखे, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये वॉलपेपर का वीडियो डाला हुआ है कि मैंने कहाँ से ये परचेज करे, कैसे मैंने इन्हें स्टिक करा. तो मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वीडियो देख सकते हैं. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं अब इसे अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ. सो अभी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लूँगी, ये वाटर के साथ ले रही हूँ मैं इसे. मैं आज को इस टोनर या मतलब सॉरी रोज वाटर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं इसे वाटर के साथ ले रही हूँ. इसका मतलब जो टेक्सचर है ना वो बहुत हार्ड है, तो इसके लिए इसके साथ मैं इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकती, इसे मुझे वाटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी हार्ड टेक्स्चर में है. सो पहले मैं अपने बाल जो है मतलब एक बन बना लेती हूँ, सो दैट कि मेरे बालों में स्टिक ना होंगे कहीं, अच्छे से अप्लाई हो जाए. सो गाइज इसके बाद मैं हेयर से रिलेटेड भी वीडियोज लाने वाली हूँ कि आप कैसे अपनी हेयर ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं, कैसे आप जो है आप हेयर फॉल रोक सकते हैं. अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स है तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोज लाने वाली हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो ताकि आपको अपडेट मिलते रहे अच्छी अच्छी वीडियोज के, स्किन से रिलेटेड हेयर से रिलेटेड भी वीडियोज आती रहेंगी. सो इसका मैं पेस्ट बना रही हूँ, मैंने इसमें वाटर डाला है अभी. As you can see, मैंने फेस पैक और वाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है. अब मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस में. तो अप्लाई करते हैं. एक्चुअली आजकल मेरे थोड़ी टैनिंग भी आ गई है, इसलिए मेरे को अपना स्किन कलर ज्यादा डार्क लग रहा है क्योंकि एक्चुअली शॉपिंग करते करते या धूप में घूमते घूमते जो है मेरा स्किन कलर और डार्क हो चुका है थोड़ा. सो मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि इससे टैनिंग अगर थोड़ी बहुत रिमूव हो पाए एकदम से, एक उसमें तो अप्लाई मतलब एक उसमें तो सॉरी रिमूव नहीं हो पाएगी टैनिंग, बट अगर थोड़ा बहुत कुछ भी मुझे रिजल्ट दिखे अच्छा. और सो गाइज ये हो चुका है अप्लाई, अब मैं इसे 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी एंड इससे मुझे काफ़ी अभी ठंडक सी फील हुई है. एंड ये गाइज प्योर रूट्स का ककम्बर फेस पैक है, प्योर रूट्स का ऐसा इसका पैकेजिंग है, देख सकते हो आप, ये प्योर रूट्स का ककम्बर फेस पैक. लुक एट दिस. तो ठीक है, मैं आपको 15 मिनट्स बाद मिलती हूँ. तो मिलते 15 मिनट्स बाद. फाइनली गाइज मेरा मास्क हो चुका है, फेस मास्क हो चुका है ड्राई एंड देख सकते हैं आप ड्राई होके कैसा लग रहा है. सो गाइज मैं इसे एकदम ही रिमूव नहीं करती हूँ, लाइक कभी कभी जो अगर मुझे ज़्यादा लगता है कि मुझे ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है, मुझे ज़्यादा ग्लो की नीड है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें थोड़ा सा पानी अप्लाई करके इसे मसाज कर करके 1-2 मिनट तक मैं मसाज करती हूँ, देन उसके बाद मैं इसे वॉश करती हूँ. तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके फेस में ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है या आपको ज़्यादा ही ग्लो चाहिए तो मैं ऐसा करती हूँ.
अदरवाइज अगर जब मैं जब फेशियल वगैरह अप्लाई करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ डायरेक्टली उसे वेट कपड़े से तब उससे रिमूव कर देती हूँ। लेकिन अभी मैं इसे मसाज करके धुलने वाली हूँ, तो मैं आपको फेस वॉश करने के बाद आपको इसका ग्लो दिखाती हूँ। तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। एज यू कैन सी मेरे फेस में काफ़ी ग्लो आ चुका है गाइस, लुक एट दिस। एंड लिटरली कोई फिल्टर नहीं है, कोई मेकअप मैंने अप्लाई नहीं करा हुआ है। लुक एट दिस, काफी अच्छा ग्लो आ चुका है मेरे फेस में इसे अप्लाई करने के बाद। एंड गाइस देखो, एक बारी में अगर आप लगाते हो ना, एक बारी में तो किसी को भी अच्छा ग्लो नहीं मिलता। मुझे भी उतना मतलब मिला है, बट इतना नहीं मिला है। तो आप इसे वीक में 2-3 times अप्लाई करोगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड तभी आपको आपकी स्किन में सूट करेगा। एंड लिटरली मतलब मैं ये रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप इसे लेके लगाओ, अगर आपकी स्किन को सूट कर रहा है तब आप इसे अप्लाई करो, अदरवाइज इट्स अप टू यू। अगर आपको लगाना है और नहीं लगाना है वो आपकी चॉइस है। सो बस मैं आपको अपना रिव्यू दिखा रही हूँ कि वो मेरे फेस में सूट करा है, क्या पता आपकी स्किन अलग हो, आपकी स्किन में सूट ना करे। सो आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करके पूछ सकते हैं या डर्माटोलॉजिस्ट से लेके पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा फेस पैक या कौन सी चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि ककम्बर जो है मेरे फेस को बहुत सूट करता है ककम्बर फेस पैक, तो इसलिए मैंने ककम्बर फेस पैक अप्लाई किया। एंड लुक एट दिस, रिजल्ट देख सकते हैं आप, इतना प्यारा रिजल्ट आया है। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।